यदि आपके पास ना मंत्रा का डिवाइस है और आपको ना कुछ इस प्रकार से एरर आ रहा है जैसा कि आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपका ना आरडी सब्सक्रिप्शन एक्सपायरी यहाँ पर हो गया है, यहाँ पर आपका आरडी सर्विस का यहाँ पर रिचार्ज एक्सपायरी हो गया है। तो इसीलिए ना आपके में इस प्रकार से एरर आ रहा है। तो आपको ना किस प्रकार से मंत्रा डिवाइस आपको यहाँ पर रिचार्ज करना है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो आपको ना अपने मोबाइल में ना गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है सर्विको मंत्रा। तो आपको ना यहाँ पर सर्च करना है सर्विको मंत्रा। जैसे ही आप यहाँ पर सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, आपको फर्स्ट में ही यहाँ पर मिल जाएगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट और इसका लिंक भी आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप सीधे ही उस लिंक से ना यहाँ पर आ जाएंगे, आपको किसी अन्य फर्जी वेबसाइट में नहीं जाना है वरना आपके साथ यहाँ पर धोखा भी हो सकता है। तो आपको ना इसी वेबसाइट में आना है, यह इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो आपको ना इस वेबसाइट को यहाँ पर ओपन कर लेना है। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर किस प्रकार से ना डिवाइस को रिन्यू करना है, किस प्रकार से आपको यहाँ पर रिचार्ज करना है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे, आपको ना यहाँ पर पेमेंट का एक ऑप्शन मिल जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, यहाँ पर आपको पेमेंट का एक ऑप्शन मिल जाएगा, एक सर्विस मिल जाएगी। तो सिंपली आपको यहाँ पर पेमेंट में क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पेमेंट में आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। तो आपको ना यहाँ पर पेमेंट ऑप्शन, आपको यहाँ पर आरडी सर्विस आपको यहाँ से इसे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप आरडी सर्विस आप सेलेक्ट कर लेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। तो अब आपको ना यहाँ पर अपनी डिटेल्स, अपनी बेसिक डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी है, जैसे कि कंपनी नाम हो गया। तो यहाँ पर आप अपना नाम भी यहाँ पर डाल सकते हैं और यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको अपना डाल देना है और यहाँ पर आपको ईमेल आईडी आपको यहाँ पर डाल देना है। जैसे आप ईमेल डालेंगे तो आपको ना यहाँ पर कॉन्टैक्ट पर्सन में आप अपना नाम भी यहाँ पर डाल सकते हैं। और यदि आपके पास ना कंपनी जीएसटी नंबर है, यदि आपके पास ना जीएसटी नंबर है तो आप जीएसटी नंबर डाल सकते हैं, यदि नहीं है तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। और यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नाम आपको यहाँ पर डाल देना है, यहाँ पर आप अपना नाम भी यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। और यहाँ पर आप जैसा कि देख रहे हैं सीरियल नंबर, तो आपको ना अपने जो मंत्रा डिवाइस है तो उसका नंबर आपको यहाँ पर डालना है, उसका सीरियल नंबर होता है कुछ इस प्रकार से मंत्रा डिवाइस का। तो आपको ना यहाँ पर सीरियल नंबर आपको यहाँ पर डालना होगा। तो आपको ना यहाँ पर ऐड में आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, आपके सामने कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। और यहाँ पर ना सीरियल नंबर डालने का एक कॉलम आ जाएगा, तो आपको ना यहाँ पर सीरियल नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। और जैसे ही आप सीरियल नंबर डालेंगे तो आपको ना यहाँ पर ऐड में आपको क्लिक कर देना है। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। यदि आप यहाँ पर सीरियल नंबर आप गलत डालते हैं और आप पेमेंट कर देते हैं तो वह पेमेंट आपका यहां पर रिफंड नहीं होगा और आपकी मंत्रा डिवाइस भी यहां पर रिचार्ज नहीं होगी। तो आपको ना एक बार सही से चेक कर लेना है कि आपने सही सीरियल नंबर डाला है या फिर नहीं। तो आपको ना यहाँ पर ओके में क्लिक कर देना है, फिर इसके बाद ना आपको यहाँ से क्लोज कर देना है और फिर इसके बाद ना आपको यहाँ से आरडी सब्सक्रिप्शन आपको यहाँ से इसे सेलेक्ट कर लेना है। आपको ना एक साल के लिए ना आपको 100 रुपये में आप यहाँ से इसे परचेस कर सकते हैं, 100 रुपये में आप अपने डिवाइस को रिचार्ज आप कर सकते हैं। तो जीएसटी सहित ना आपका 118 रुपये आपके वॉलेट से कटेगा। तो आपको ना एक साल का आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, फिर इसके बाद ना आपको यहाँ से स्टेट आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना, जो भी आपका स्टेट हो, जो भी आपका जिला हो। तो आपको ना यहाँ पर अपने डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल कर लेनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर पोस्टल एड्रेस आपको यहाँ पर डाल लेना है, जो भी आपका एड्रेस है। तो आपको यहाँ पर एड्रेस डाल देना है और इसके बाद ना आप पे फोर में आप कुछ भी यहाँ पर डाल सकते हैं और रिमार्क्स में आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप कुछ भी डाल दीजिए। लेकिन आपको ना पिन कोड यहाँ पर सही सही आपको डालना है, जो भी आपके एड्रेस का पिन कोड हो, जो भी आपका पिन कोड है, एरिया पिन कोड। तो आपको ना यहाँ पर पिन कोड डाल देना है। जैसे ही आप सारे डिटेल्स यहाँ पर फिल कर लेंगे तो आपको ना एक बार सीरियल नंबर भी आपको चेक कर लेना कि आपने सारे डिटेल्स यहाँ पर सही से अपने सही तरीके से सारे डिटेल्स यहाँ पर फिल करी है। तो आपको एक बार सीरियल नंबर आपको जरूर चेक कर लेना है। तो जैसे ही ना आपकी सारे डिटेल्स यहाँ पर सही होती है तो आपको ना यहाँ पर पे नाउ में आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पे नाउ में आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर पेमेंट करना होगा। तो आपको ना यहाँ पर पेमेंट करने के काफ़ी सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। आप यूपीआई के माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, और यहाँ से ना आप नेट बैंकिंग द्वारा भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो आपको ना यहाँ पर जिस चीज़ से आपको पेमेंट करना है तो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, फिर इसके बाद पासवर्ड डाल के आपको यहाँ पर इसे पेमेंट कर देना है। और जैसे ही आप इसका पेमेंट कर देते हैं आपके वॉलेट से 118 रुपये यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। तो आपको ना यहाँ पर कुछ
सेकेंड आपको यहाँ पर वेट करना है और यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है और आपकी आरडी सब्सक्रिप्शन सक्सेस भी यहाँ पर हो चुकी है। आप यहाँ से डाउनलोड रिसिप्ट में आप क्लिक करके इसकी रिसिप्ट आप निकाल सकते हैं और अब आपके यहाँ से मंत्रा डिवाइस यहाँ से रिन्यू हो चुकी है, रिचार्ज हो चुकी है। अब आप यहाँ से वर्क कर सकते हैं, मंत्रा डिवाइस का आप यूज कर सकते हैं। तो आपको ना इसी प्रकार से मंत्रा डिवाइस आपको यहाँ पर रिचार्ज करना है और यदि कोई भी समस्या आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और यदि वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे भी आपको ऐसी वीडियोस हमारे इस चैनल में मिलती रहेंगी। तो चलिए गाइस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो से।